तो दोस्तों, क्या ये फिर से बंद हो जाएगा? ऑनलाइन का जो सिस्टम चालू किया गया है, फिर से ऑफलाइन सारे फार्म भरे जाएंगे, अथॉरिटी में फिर से काम होगा, ऑनलाइन बंद हो जाएगा? चलिए दोस्तों, इस पर नज़र डालते हैं। मैं हूं आपका दोस्त आशु, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एक्स बाई जेड सब कुछ। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, उसी के बाद मैं आपको जानकारी दूँगा, फिर आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, उसे ज़रा ध्यान से सुनना और उसे समझना। आपने पिछले कई सालों से, जब से हमारे दिल्ली में मुख्यमंत्री केजरीवाल जी आए हैं, तब से लेकर आज तक आपने एक चीज़ तो ज़रूर गौर करी होगी, वो ये थी, ये चीज़ है दोस्तों कि आपने केजरीवाल जी का और एलजी साहब का झगड़ा तो अवश्य सुना होगा, क्योंकि इन दोनों पार्टियों में 36 का आंकड़ा है। तो इसी के चलते हुए अब मैं आपको जानकारी देता हूँ, आप समझ जाएंगे। आप समझ गए ना, इन दोनों में 36 का आंकड़ा है, वो क्या कारण है ये तो हमें नहीं पता, वो तो वही दोनों जने जानते हैं। तो मैं आपको बता दूं, केजरीवाल जी ने कई ऐसे कानून पास किए, कुछ अच्छे भी थे, कुछ ख़राब भी थे। उन कई कानूनों में से और कई चीज़ों में से एलजी साहब ने कईयों को तो निरस्त कर दिया, कईयों को रिजेक्ट कर दिया, जबकि केजरीवाल जी उनको लागू कर चुके थे, लेकिन एलजी साहब ने उनको निरस्त कर दिया। तो चलिए दोस्तों, अब आपको ये छोटी सी मैंने बात बता दी, अब इसको ध्यान में रख के मैं आगे आपको बताता हूँ आखिर ये मामला है क्या। तो दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के एक यूनियन लीडर हैं, ऑल दिल्ली ऑटो टैक्सी यूनियन के लीडर किशन वर्मा, उन्होंने राज्यपाल के पास जाके एक अपील की है और उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा है राज्यपाल जी को कि ये जो केजरीवाल सरकार है, ये जो इन्होंने आदेश जारी किया है कि सारी आरटीओ की जो सुविधाएं हैं वो ऑनलाइन कर दी गई हैं, तो ये एक तरफा जो इन्होंने अपनी तरफ से ही ये लागू कर दिया है, पब्लिक से कुछ पूछा नहीं, किसी से कुछ जानकारी नहीं ली, तो इसको वापस करें। उनका कहना ये है कि इससे ड्राइवर भाइयों को सुविधा कम मिल रही है, लेकिन परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। परेशानियाँ जो हैं वो किस प्रकार की हो रही हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि अथॉरिटी में जब हम जाते थे तो हमारे सारे काम फ्री हो जाते थे, सिर्फ जो वहाँ की फ़ीस होती थी वही फ़ीस लगती थी, लेकिन अब जब से ये ऑनलाइन कर दिए हैं, तब से ये साइबर कैफ़े वाले हर चीज़ के डबल पैसे मांगते हैं, 200, 300, 400, 500, कई कई जगह तो हज़ार रुपये भी मांग लेते हैं। तो दोस्तों, इसी सब चीज़ों से हमारे ड्राइवर भाई बहुत ज़्यादा परेशान हैं, दुखी हैं। तो यही यूनियन के जो लीडर थे किशन वर्मा जी, उन्होंने इसी तरीके की और भी उनसे शिकायतें करी हैं, कहा ये केजरीवाल जी ने जो ये लागू किया है ये बिल्कुल बेकार है, इससे ड्राइवर को फ़ायदा नहीं हो रहा है, इससे नुकसान हो रहा है, तो कृपया करके इस कानून को वापस करवाइए। तो आप समझते होंगे, एलजी साहब के पास जब एक कंप्लेंट पहुँच गई है यूनियन लीडर की, और दिल्ली के और भी जितने भी यूनियन हैं उन्होंने भी यही सलाह मशवरा करके यही कहा है कि ये ऑनलाइन सिस्टम जो है ड्राइवरों के हित में नहीं है, इससे ड्राइवरों का नुकसान है, कृपया दोबारा से अथॉरिटी में काम चालू किया जाए। तो एलजी के पास ये शिकायत पहुंच गई। अब आप समझ सकते हैं कि एलजी और केजरीवाल जी का तो आपस में 36 का आंकड़ा चलता ही है दोस्तों, आपको बता दिया मैंने शुरू में, इसीलिए आपको बताया था कि आप समझ जाएँ। तो दोस्तों, जब 36 का आंकड़ा चलता हो और ऊपर से कंप्लेंट मिल जाए, तो आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है, बंद भी हो सकता है ये ऑनलाइन का सिस्टम और फिर दोबारा से अथॉरिटी में काम चालू हो सकता है। तो दोस्तों, इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मैं इसी प्रकार आरटीओ, ड्राइवर संबंधित डीएल, आरसी, रोड संबंधित, ट्रैफिक संबंधित जो भी नई जानकारी आती है, मैं उसी समय वीडियो बना के आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।